डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं जो भी सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, IR, जोग्राफी और इन्वायरमेंट, ये वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट पे है। ठीक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। जितने भी ये टॉप 500 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जो 28 मई का जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब तो बहुत कम टाइम रह गया। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी जिनको पेपर देना है, और अब आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनसे जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्री में पूछे जाते हैं। तो आज हम साइंस एंड टेक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूपेक्स को चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और जापान का जो एक्सप्लोरर एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के द्वारा एक रोबोटिक चंद्र मिशन है। तीसरा, मिशन चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को पता लगाने के लिए एक चंद्र रोवर और लैंडर भेजेगा। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो 2 है, केवल 1 और 2, वो सही है। ठीक है, जो ये लूपेक्स है ये इसको हम चंद्रयान 4 के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो पहला कथन है वह भी सही है। और इसको भारतीय यानी कि इसरो और जाक्सा द्वारा भेजा जाएगा, ये एक रोबोटिक चंद्र मिशन की अवधारणा है, यह कथन भी सही है। यह 2025 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक चंद्र रोवर और लैंडर भेजेगा। इसलिए जो ये है कि जो कथन 3 है वह गलत है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव लिखा है, ये दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। और मिशन के लिए लॉन्च वाहन एक जापानी रॉकेट H3 होगा, और लैंडर सिस्टम जो है वह इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा, जबकि जाक्सा द्वारा रोवर और लैंडिंग बिंदु चंद्रमा का दक्षिण बिंदु होगा। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन का मुख्य उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि चंद्रमा ध्रुवीय क्षेत्रों के उपयोग में उपयुक्त मात्रा और परिस्थितियों में यहाँ पर पानी की मौजूदगी है या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रेट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पहल मेडिसिन सेंस फ्रंटियर एमएसफेयर द्वारा वैश्विक तैयारी मिशन के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। दूसरा, पहल का वर्तमान ध्यान केवल श्वसन वायरस पे है। तीसरा, यह पहल महामारी समझौतों के उद्देश्यों और प्रावधानों को क्रियान्वित करने में भी मदद करेगी। इसमें हमें ऑप्शन बताना है, इसमें ऑप्शन जो 3 है ना वो सही है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है, WHO ने भविष्य की महामारियों के लिए दुनिया को बेहतर तरीके से तैयार करने और पहल की शुरुआत की है। ठीक है, WHO ने COVID-19 की महामारी के समय जो तबाही देखी थी उसके लिए भविष्य के प्रकोप, भविष्य में अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसको तैयार करने के लिए उसके लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। उभरते खतरों की तैयारी और लचीलापन, ये प्रेट इसको कहा जाएगा, इसकी पहल WHO द्वारा की गई थी। अर्थात जो पहला कथन है वह गलत है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य किसी भी श्वसन रोगजनक मतलब जो भी सांस से लेने वाली कोई बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस के जवाब में एक योजना तैयार करना, जिसपे हम एक तरीके से पूरा गाइड तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें इसके बाद अभी तो फिलहाल जो ये बीमारियां हैं मतलब जो इसमें लिए गए हैं वह ज़्यादातर सांस की बीमारियां या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों पे लेके हैं, लेकिन जल्द ही यह रोगजनक के अन्य समूह भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, पहल के तहत काम कम किए जाने वाले रोगजनकों का अलग दूसरा समूह क्या होगा, मतलब इसमें कौन से अभी और समूह इसमें शामिल किए जाने चाहिए, उसमें अभी काम चल रहा है। ठीक है, पहल की घोषणा जिनेवा स्विट्जरलैंड में 24-26 अप्रैल 2033 को आयोजित फ्यूचर रिस्पिरेटरी पैथोजन महामारी के वैश्विक बैठक के दौरान की गई थी। ठीक है, इसका जो ढांचा है उसमें जल्दी ये रेखांकित करने की उम्मीद है कि उसमें किस कार्यों की ये मेजबानी करता है और किस तरीके से ये कार्य करता है। इसमें 3 आयामी दृष्टिकोण है, प्राथमिक कार्रवाइयों की पुष्टि करने वाली तैयारी योजनाओं का अद्यतन करना, व्यवस्थित समन्वय और सहयोग के माध्यम से महामारियों की तैयारी में
लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाना और कोविड-19 की महामारी के दौरान जो जो भी खामियां थी, जितनी भी प्रॉब्लम हुई थी, उन सभी पे ध्यान रखना और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का निर्धारण करना। ठीक है, ये पहल महामारी के समझौते के उद्देश्य और प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए काम कर सकती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये अभी तुरंत ही हुआ है। ठीक है, अप्रैल की ये घटना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेटा सामग्री निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग होते हैं? पहला दूरस्थ वायुमंडल संचालन, दूसरा सौर ऊर्जा प्रबंधन, तीसरा चिकित्सा उपकरण, चौथा संवेदी सूचकांक, या पांचवा एंटीला लेंस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है ना, वह सही है। ठीक है, इसमें सारे ही जो ऑप्शन है वह सही है। भारतीय जो IIT मद्रास है उसके शोधकर्ताओं ने यह सामग्री विकसित की है, जिसको ओरिगेमी मेटामेरियल्स कहा जाता है। ठीक है, इसका यह एक विशेष वर्ग इन्होंने विकसित किया है। मेटा सामग्री एक सामग्री है जिसमें गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और वे एक दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनके लिए कोई परिभाषा नहीं है। हालांकि लोगों को उसमें जो समानता है वह यह जानते कि यह कृत्रिम मूल से है। इसके अलावा यह इसका अर्थ यह है कि यह प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, लोगों द्वारा बनाए गए हैं। इसका कृत्रिम मूल के अलावा मेटा सामग्री की विशेषता यह है कि इसमें असमान विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं, जो कि संरचना व्यवस्था में आते हैं, ना कि उनकी संरचना से। मेटा सामग्री में हम ये भी देखेंगे कि मेटा सामग्री का उपयोग संभावित रूप से नए उपयोगों के लिए एक एंटीना, रडार डिज़ाइन और इसके साथ साथ एक अदृश्य घड़ी की अभिकल्पना के लिए किया जाता है। मेटा सामग्री से बने जितने भी अनुप्रयोग हैं, जैसे कि प्रकाशक निस्पंदन, चिकित्सा उपकरण, सुदूर अंतरिक्ष ऑपरेशन जो होते हैं अंतरिक्ष संबंधी, इसके साथ साथ भूकंप से जुड़ी हुई चीज़ें, सौर ऊर्जा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, इन सब चीज़ों में इसकी सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ मेटा सामग्री से बने लेंस विवर्तनीय सीमा तक मानचित्रीकरण में भी सक्षम है। ठीक है, इसलिए हम ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन के इसके ऑप्शन हैं वो सारे के सारे सही हैं। इन सब चीज़ों में मेटा सामग्री का प्रयोग हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पैराबैंगनी सी और या UVC कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला इसे SARS-CoV-2 के हवाई प्रसारण के लिए संसद में स्थापित किया जाएगा, दूसरा इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित किया गया है, तीसरा यूवीसी प्रकाश के आकर्षित स्तरों पर वायरस किसी भी एरोसोल कणों को निष्क्रिय हो जाता है, चौथा यूवी किरणों में से सबसे लंबी जो तरंग होती है, इसके बाद UVB और UVC किरणों में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन 2 है ना वो सही है। इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सही नहीं है, सॉरी, इसमें बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वह सही है, इसको इसरो द्वारा विकसित नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें हमने ये देखा है कि यह SARS-CoV-2 के हवाई संक्रमण को कम करने के लिए इसमें संसद में स्थापित किया जाएगा। हम यह देखते हैं कि यूवी किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वह काफ़ी लंबी है और इसके बाद UVB और UVC किरणों में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। UVA और UVB जो किरणें हैं वह वायुमंडल द्वारा प्रेषित की जाती हैं, जबकि इसमें से हम कुछ जो किरणें होती हैं वह ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। इसलिए जब आप इन यूवी किरणों के संपर्क में आते तो उनमें से अधिकतर जो किरणें होती है वह UVA होती है और इनमें कम की मात्रा UVB की होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला शराब का सेवन, दूसरा तंबाकू का सेवन, तीसरा मोटापा, चौथा ऊंचा कोलेस्ट्रॉल स्तर और पांचवा कम गतिविधि शारीरिक गतिविधियां। इसमें से कौन जो है गैर संचारी रोगों के बढ़ने का कारण है? ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसका जो ऑप्शन 4 है ना वो है। जितने भी ऑप्शन है ना वह सब इसके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी WHO ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सदस्यों देशों ने मौखिक और आँखों के सहित इन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रगति में तेजी लाने का संकल्प लिया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह और लंग्स के जो जितनी भी बीमारियां होती हैं इनको गैर संचारी रोग NCD कहा जाता है। दुनिया भर में यह 70% से ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है और इसमें से जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ये 70 वर्ष की आयु से तक पहुंचने से पहले लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं कर पाते। इसका उदय इन सभी कारणों की वजह से हुआ जो मैंने आपको बताया है, जिसमें
सारे तंबाकू, शराब का अत्यधिक सेवन, अनहेल्दी फूड, बहुत एक्सरसाइज नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल भी नहीं होना, बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों का जो बढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, इन सब से ये आती हैं, ठीक है। यह जो है ना, ये बहुत एक हानिकारक परिणाम होता जा रहा है। और आजकल का जो लाइफस्टाइल और जो लोगों का टाइम टेबल है, उसकी वजह जो जो उन लोगों का खान पीन का जो तरीका है, इसके इसकी वजह से यह आजकल के टाइम में 10 में से 7 लोगों की मौत इस वजह से होती है। और यह अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर डालते हैं, और लोगों को उनके जो जो एक लाइफ का टाइम होता है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं या कहा जा सकता है बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उसमें भी उन्हें वह पीछे देते हैं। अब हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में हमने देखा कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी इसका इसका जो अनुपात है वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो 4 प्रमुख कारण है वह भारत में है, हृदय रोग, कैंसर और जो पुराना श्वसन रोग है यह, और मधुमेह। ये जो प्रमुख जो 4 कारण है भारत में मृत्यु के लिए एक प्रमुख कारण में से माना जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2021 में DRDO ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C51 द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? सतीश धवन उपग्रह, सिंधु नेत्र उपग्रह, सिंधु दुर्गा उपग्रह या श्री शक्ति उपग्रह? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। सिंधु नेत्र जो उपग्रह है वह यहाँ पे किया गया था। सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका उपयोग करते हुए इसका लॉन्च किया है, ठीक है। यह हिंद महासागर में चल रहे युद्धपोतों और व्यापारिक जहाज़ों के बारे में के रूप में पहचान करने में सक्षम है, ठीक है। भारत के ध्रुवीय उपग्रहण प्रक्षेपण जो यान है PSLV C15, इसको सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र में इससे अमेजेनिया वन भी प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। अमेजेनिया वन या SSR 1 ये ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया है, और इसको इसरो की मदद से यहाँ पर पृथ्वी पर लॉन्च किया गया है। पृथ्वी का ये पहला अवलोकन केंद्र है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की कंपनी न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला समर्पित कमर्शियल मिशन है, ठीक है। अब हम DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO का मतलब फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और यह 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो इसका ऑप्शन थ्री 2024 यह सही है, ठीक है। 2023 और 24 में 2 मानव रहित गगन मिशन लॉन्च किए जाएंगे, और अंतिम क्रू जो गगनयान मिशन है वह 2024 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह के अनुसार गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान जो मिशन है यह 2024 में लॉन्च होगा, और दो मानव रहित गगनयान मिशन जीवन 2023 के अंतिम तिमाही और दूसरा मानव रहित मिशन 2024 की दूसरी तिमाही में होगा, ठीक है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और क्या हो सकते हैं, USA, रशिया और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष जो मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बन जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें बेंगलुरु में स्थापित होने वाली इसकी एक अंतरिक्ष प्रणाली शुरू की गई जिसको पूरा करने की ये अपने उन्नत चरण में है और वहाँ पर स्थापित की जा रही है। गगनयान के सभी सिस्टम को डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है, और इसके साथ साथ इसका ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब तरीके से तैयार किया गया है, और इसमें जितने भी आप संशोधन किए जा रहे हैं वह सब भी इसमें शामिल हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह NU-2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया? पहला इसराइल, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा सऊदी अरेबिया या चौथा ईरान? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ईरान ने लॉन्च किया है, ठीक है। मार्च 2022 में ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है। NU-2 उपग्रह कासेड या घासेड उपग्रह वाहक द्वारा निचली कक्षा में पहुंच गया है। घासेड एक 3 चरण वाला मिश्रित ईंधन उपग्रह वाहक होता है, ठीक है। और नूर का जैसा कि आपको सबको अर्थ पता है, ये फारसी शब्द है, इसका अर्थ प्रकाश होता है। और इन्होंने अपना जो पहला उपग्रह था नूर वह 2020 में लॉन्च किया था। अब हम जानते हैं NU-2 के बारे में। NU-2 500 किलोमीटर यानी कि 311 मील की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। 3 चरण वाले कासेद
के तहत इसने नूर को लॉन्च किया गया है और शहराज अंतरिक्ष बंदरगाह से इसको लॉन्च किया गया है। इस प्रकार के जो रॉकेट होते हैं वह तरल और ठोस ईंधन के संयोजन का उपयोग करते हैं और पहला सैन्य उपग्रह लेके गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रह को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? PSLV C52, PSLV C51, PSLV C49, PSLV C45। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, भारत इसरो ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा से इसको PSLV-2 को लॉन्च किया है। यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह ES-0SO4 को लेके जा रहा है। इसमें अन्य दो उपग्रह भी हैं जिसमें IIST का विद्यार्थी उपग्रह इंस्पायर सेट 1 और इसरो का एक टेक्नोलॉजी उपग्रह INS-2D शामिल है। ठीक है, भारत के ध्रुवीय रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-5 ने अभी जैसे मैंने आपको बताया स्पेस पोर्ट में ब्राजील के अमेजेनिया 1 और 18 को भी लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ जो ये इसरो का जो PSLV-C45 है ना, ये देश का सबसे नया उपग्रह है जो इन्होंने बनाया है MESAT, उसका लॉन्च किया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस संगठन ने व्योमित नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया है? पहला CDEC पुणे, दूसरा इसरो, तीसरा टाइफर या चौथा DRDO? तो इसका ऑप्शन जो सही है वह 2 ऑप्शन सही है। इसरो द्वारा यह इसकी स्थापना की गई है। व्योमित्र, अगर इसको हम संधि विकसित करेंगे तो संस्कृत के 2 भाषा व्यो और मित्र से मिला है। ठीक है, यह इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनाइड फीमेल रोबोट का प्रोटोटाइप है। इसका अनावरण 22 जनवरी 2022 को 2020 में किया गया था और यह व्योमित को दिसंबर 2021 में मानवयुक्त मिशन पे भेजने की योजना थी जिसमें पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की मदद मिलेगी। गगनयान कार्यक्रम के तहत व्योमित को मानव रहित मिशन में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इसरो अन्य देशों के तरीके अपने प्रयोगों के लिए जानवरों को बोर्ड पर नहीं उड़ाना चाहता ताकि यह पता चल सके कि मानव के शरीर में या जो इतनी लंबी जो प्रक्रिया होने वाली है उसमें अंतरिक्ष में मानव शरीर में कैसे प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए यह ह्यूमनाइड रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह पता चलेगा कि मानव के शरीर पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है और विकिरण वगैरह का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियोस हैं ये साइंस एंड टेक का पहला वीडियो था। इसके अलावा आगे और वीडियोस आएंगे। आप इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उससे जुड़िए। थैंक यू सो मच।